मैं आमंत्रित करता हूँ लेमा की वंदना करें और उसके पश्चात इस कार्यक्रम को हम गति देंगे। चार मिस्र देना चाहता हूँ कि न जाने कब कहाँ कैसे वो भावों को जगाती है, वो मन दर्पण में कविता के सुमन खुद ही खिलाती है। भला इंसान की हस्ती ही क्या है, वो लिखे कुछ भी, वही गीता रचाती है, वही मानस रचाती है। चलो चलिए संस्कारों भरी सभ्यताएं लिए हम पुरातन जुड़ी नव्यताएं लिए क्या बात है। श्रेष्ठ थे शेष है शेष होंगे सदा संस्कृति से मिली नव्यताएं लिए बहुत ही अच्छी ज्योति प्रसार दे मां शारदे मां शारदे वर दे सदा हम शांत हो किंचित न मन से क्लांत हो सुख के सभी सोपान ले हम सभ्य हो संभ्रांत हो विद्या हमारी हो न कुंठित तू इसे विस्तार दे मां शारदे मां शारदे गति दे सदा हम देश को पावन प्रगति परिवेश को सदाचरण से सर्वदा वरते रहें उन्मेष को विद्या विनय सद्भाव का हमको सदा उपहार दे मां शारदे मां शारदे मां शारदे बहुत ही सारे मेरे पिताजी के समकालीन डॉक्टर हरिओम पवार जी आज यहाँ मंच पर हैं तो मैं उनकी स्मृतियों से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। हाँ बच्चे स्वागत है। कि मेरे जज्बात को स्याही का रंग मिलना जरूरी है मेरे जज्बात को स्याही का रंग मिलना जरूरी है मुझे रहना हो गर जिंदा तो फिर लिखना जरूरी है मेरे जज्बात को और पिता मेरे मुकम्मल थे हर एक अंदाज में बेशक आप सब उनके साथ बहुत सारी रातें आपने उनके साथ गुजारी हैं पिता मेरे मुकम्मल थे हर एक अंदाज में बेशक तो थोड़ा इल्म उनका भी मुझे मिलना जरूरी है तो थोड़ा इल्म उनका बच्चे वाह 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 मुझे मिलना देखिए इस तरह से भी स्मृत किया जाता है अपने बड़ों को। एक बार तालियां उठाइए अपने अपने पिता माँ सभी को याद कीजिए क्या क्या खूबसूरती से लेकर आई हैं कमाल। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया।
और एक मुक्तक से मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ कि फूल बिन गंध क्या जरूरी है, फूल बिन गंध क्या जरूरी है, स्वर बिना छंद क्या जरूरी है, प्यार हो और हो समर्पण भी, वरना संबंध क्या जरूरी है। जो मेरे गीत है, जो उसकी नायिका है, उसकी यही शिकायत है कि इसका जो प्रेमी है वो समर्पण से उसे प्यार नहीं करता, जिस समर्पित मन से वो उसे प्यार करती है। हालांकि आज के मौजूदा वक्त में ऐसे समर्पित प्यार की कौन बातें करता है, कि जो कल तक आग का दरिया था वो अब आसान है कितना, जो कल तक आग का दरिया था वो अब आसान है कितना, जिसे देखो वही खोया हुआ है प्यार करने में। तो व्हाट्सएप और फेसबुक के युग पे अगर आप ब्लू टिक भी हो जाए और आप सामने से अगर रिप्लाई ना आए तो ब्रेकअप की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि संस्कृति कला के मंच पर मैं हूँ तो मैं उसी चीज़ की हिमायत करूँगी जो हमारे भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। मैं बात करती हूँ उसी समर्पित प्रेम की। और पता नहीं, मैं कुछ और सुनाना चाहती थी लेकिन आज पूरी तरह कविता का मंच है तो मैं अपनी पूरी कविता की धारा मैंने बदल दी है। सुनिएगा कि क्यों नमक की डली मैं अधर पर रखूं, विशुद्ध प्रेम गीत है। और नमक की डली उस नाराजगी का प्रतीक है जो अपने प्रेमी के प्रति वो प्रेमिका अपने मन में रखती है। वो क्या कहना चाहती है कि क्यों नमक की डली मैं अधर पर रखूं, क्यों नमक की डली मैं अधर पर रखूं, क्यों नमक की डली मैं अधर पर रखूं। एक नदी सा बृहद प्यार मैंने किया, एक लहर सा मगर प्यार तुमने किया, ये शिकायत है लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, प्यार का निर्वहन साथ हमने किया, मन ये कहता है थोड़ा मैं धीरज धरूं, मन ये कहता है थोड़ा मैं धीरज धरूं, क्यों नमक की डली में अधर पर रखूं। भारतीय स्त्री तो कितनी संतुष्टि में अपने प्यार को जीती है। एक पल भी मुझे तुम न विस्मृत करो, प्रेम से मेरे खुद को अलंकृत करो, सुप्त वीणा को मधुरिम मिलन राग से मैं भी झनकृत करूं, तुम भी झनकृत करो, अपनी मन कामनाएं ये तुमसे कहूं, अपनी मन कामनाएं ये तुमसे कहूं, क्यों नमक की डली मैं अधर पर रखूं, क्यों नमक की डली मैं अधर पर रखूं। और इसी एहसास को पिरोते हुए एक गजल के कुछ अशार मैं आप लोगों के बीच रखती हूं, फिर एक गीत और फिर अपनी जगह में जी स्वागत। या तो वापस पलट के आओ तुम, मेरे कुछ फेसबुक मित्र यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने खास तौर पर मुझसे कहा था कि गजल में जरूर पढूं, कि या तो वापस पलट के आओ तुम, या कोई रास्ता बताओ, ही चैन पाऊं मैं तुमको पाकर, ही चैन पाऊं मैं, इतनी शिद्दत से याद आओ तुम, या तो वापस पलट के आओ तुम। सर्द लगने लगे ना तन्हाई, सर्द लगने लगे ना तन्हाई, मेरी यादों को ओढ़ जाओ तुम, या तो वापस पलट के आओ तुम। और एक छोटा सा गीत आपको, हाँ छोटी बेटी वाला मतलब बेटी वाले का मतलब है एक छोटा सा। तो मैं सोचती हूँ कि माँ पे एक मैंने कुछ शेर कहे, वो एक दो शेर बस मैं। हाँ बेटा स्वागत है बेटा, खूब मन से सुन रहे हैं आप, क्योंकि ईश्वर ने कहा था कि मैं हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने माँ को बनाया। तो उन्हीं माँ को समर्पित मैं कुछ शेर आप तक पहुँचाती हूँ। हाँ बेटा स्वागत है, खासतौर पर मीरा जी के लिए, बहुत मन से वो सुन रही हैं और बहुत तन्मयता से।
कि शाम सी नम रातों सी भीनी भोर सी है उजियारी माँ, शाम सी नम रातों सी भीनी भोर सी है उजियारी माँ, मुझ में बस थोड़ी सी मैं हूँ मुझ में बाकी सारी माँ, शाम सी नम रातों सी भीनी अद्भुत है अद्भुत बस थोड़ी सी मैं हूँ मुझ में बाकी सारी माँ, क्योंकि एक बेटी अपने अपने किरदार की पूरी तो, जिंदगी आज तो कमाल हो गया जी। कमाल हो गया साहब। महेश जी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब अभी यहाँ बैठे हुए यही कह रहे थे कि इस कार्यक्रम पर 100 कवि सम्मेलन कुर्बान कर सकता हूँ मैं आज जो अब तक हुआ है। कविता बहुत ही अच्छे बच्चे, दोबारा सुनाओ बेटा। कितनी बार उसे देखा था मैंने ऐसे रूप में भी, कितनी बार उसे देखा था मैंने ऐसे रूप में भी, होठों पर मुस्कान लिए है आंखों में लाचारी माँ, शाम सीनम रातों सी भीनी भोर सी है उजियारी माँ, मुझ में बस थोड़ी सी मैं हूँ मुझ में बाकी सारी माँ, शाम सीनम रातों सी भीनी माँ की सूरत और सीरत का कैसे मैं गुणगान करूं, माँ की सूरत और सीरत का कैसे मैं गुणगान करूं, फूल सा चेहरा कोकिल वाणी पूजा की अग्यारी माँ, शाम सीनम रातों सी भीनी भोर सी है मुझे आरी। बहुत ही अच्छी बेटा कमाल।